पहले था नहीं, कुछ कुछ भी नहीं देना, खाना जितना पाओ देना भी उतना पाओ। इसलिए उन्होंने बोले नहीं, हमारे घर में कोई खाना पीना हमारे घर में नहीं, पूरा निर्जला रहना पड़ेगा। लास्ट में जो राजकुमार था ना, ये व्रत करके एकादशी करके उन्होंने प्राण त्याग दिया। लेकिन जब प्राण त्याग दिया एक जीवन में, क्यों, अनजान में उसको निर्जला व्रत, अनजान में निर्जला व्रत हुई तो उसको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए रुक्मागत महाराज की कथा आता है ना, पूर्व जन्म में एक वेश्या के प्रति वो आसक्ति थी, दुष्ट बदमाश थी, वेश्या को साथ में रहते थे, लेकिन वो वेश्या देखने में सुंदर थी, उसको साथ में जीवन बिताया करते थे, हैं जीवन बिताते थे। इसलिए उसी दिन वो वेश्या को आई बुखार तेज, उसको बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वो कुछ खाना नहीं खाई, बुखार उतरी नहीं तो छटपट की, अभी दुखी दुखी दोनों का अनजान में निर्जला व्रत हुआ। तो दूसरे दिन सवेरे प्राण त्याग किया, इस भी प्राण त्याग किया, केवल अनजान में एक निर्जला व्रत का फल मिला, पृथ्वी का राजत्व प्राप्त हुआ, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर राजत्व उनको। इसलिए वामदेव ऋषि ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, पूर्व जन्म में तो दुष्ट था, पत्नी वेश्या थी, लेकिन केवल तुम दोनों अनजान में व्रत किया तो दोनों अभी देश का राजा रहा नहीं। अगर लड़ाई झगड़ा कर देखना घर में, सवेरे सवेरे अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए ना पति पत्नी में, दो दिन तीन दिन तक कभी एकादशी व्रत करना शुरू होगा। झगड़ा से खाना पीना, बोले खाना ही नहीं बनाएंगे, बोले खाऊंगा नहीं, खाना क्या बनाऊंगा, बस एकादशी निर्जला एकादशी व्रत हो जाता है। इसलिए एकादशी अनजान में भी, जैसे आग है, अब तो पता नहीं आग क्या है, बच्चे को पता नहीं आग हाथ जलती है, अगर बच्चा अगर आग में हाथ देगा आग छोड़ेगी, हाथ जलाएगी, पता नहीं ये जहर है। अगर बच्चा अनजान में नहीं था, हम अगर अनजान में अगर हमने जहर खा लिया तो छोड़ेगा, कहते वस्तु शक्ति है, वस्तु शक्ति है तो छोड़ेगा नहीं। उसी तरह अनजान में भी कोई एकादशी व्रत हो गई, उसका भी बड़ा फल, अरे जान बुझ कर करोगे तो बहुत बहुत फल। इसलिए एकादशी व्रत करके खाना भी नहीं चाहिए, पर किसको नहीं देनी चाहिए, मना कर देनी चाहिए। आज हमारे घर में एकादशी व्रत है, आज हम किसको अन्न नहीं दे सकते, नहीं बोले नाराज हो जाएगा, और नाराज होगा तो हमारे क्या कर देंगे। आप बोलोगे कोई नाराज हो जाएगा, बोले नाराज हो जाएगा तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा,